हेलो फ्रेंड्स, टी कुकू के चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है साबूदाने का हलवा। आज जो मैं साबूदाने का हलवा बनाने जा रही हूँ, मैं व्रत के लिए बनाऊंगी क्योंकि सावन का टाइम चल रहा है इस वजह से। और जो मैं आज का हलवा बनाऊंगी उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि मैं हलवे में दही का इस्तेमाल करूंगी। उम्मीद है आज का रेसिपी आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साबूदाने का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है साबूदाना। साबूदाने को मैंने 2 घंटे पानी में भिगो दिया है। चीनी, दही, इलायची, बादाम। अब हम साबूदाने का पानी सबसे पहले निकाल देंगे। मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रखा है और फ्लेम मीडियम रखा है। सबसे पहले हम डालेंगे 1 ग्लास पानी कढ़ाई में। यहाँ पे मैंने 1/2 बाउल चीनी लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी लीजिए। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। जब तक चीनी घुल जाती है तब तक हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए चीनी सारी घुल चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना। हमने साबूदाना का पानी छान दिया है और अब हम इसको 2 मिनट तक पका लेंगे। पहले अच्छे से गैस का फ्लेम हाई करेंगे और चलाते हुए पकाना है। हमें कंटिन्यू चलाते ही रहना है, हाथ रोकना नहीं है बिल्कुल भी। गैस हम मीडियम करेंगे और दही डालेंगे इसमें। इलायची मैंने यहाँ पे 2 लिया था। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 2 मिनट हम और अच्छी तरीके से पका लेंगे। दही का टेस्ट हलवे में बहुत ही अच्छा आता है। आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन मुझे तो दही का पसंद है इसलिए मैंने दही डाला हुआ है। हलवा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए एकदम सूख गया है सारा पानी जो हमने इसमें ऐड किया था। अब हम प्लेट में हलवे को निकाल लेते हैं। सारा हलवा मैंने प्लेट में बाहर निकाल लिया और अब हम इसको सजा देते हैं। जो हमने बादाम लिया था बारीक काट करके उसको, कितने अच्छे दिख रहे हैं ना हलवा।